नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। नगर के वार्ड क्रमांक 6 में बीजासन माता मंदिर गली में रहने वाली अर्चना सिंह तोमर की हत्या उसके पति एवं जेठ ने गला दबाकर कर दी। मृतक महिला के बच्चों के बयान तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक के पति जितेंद्र तोमर एवं जेठ भारत सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली राजेश सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि बुधवार की रात राजीव गांधी जन चिकित्सालय से तहरीर आई थी कि एक महिला को अस्पताल में लाया गया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं मृत्यु का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा जब जांच प्रारंभ की गई तो घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगी। थाना प्रभारी राजेश सिन्हा द्वारा बच्चों के द्वारा दिए गए बयान के आधार तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण गला घोटने से हुआ पाया गया, आरोपी जितेंद्र तोमर एवं आरोपी भारत सिंह तोमर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार कर मामला कायम कर लिया गया है। गंज बासोदा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। मृत अवस्था में लाया गया, उसके आधार पर मर कायम किया गया था और तत्काल मौके पर जाकर इस संबंध में तस्दीक की गई। जो सीढ़ी के वहाँ तो कोई ब्लड वगैरह नहीं था, लेकिन एक कमरे में उसका मृतिका का ब्लड पड़ा था और उसमें फिर उसको सुरक्षित किया गया। पूछताछ पे उसके जितेंद्र के मृतिका के बच्ची नानू और छोटू लड़का है, उसके द्वारा बताया गया कि हम शाम को घर में थे और उसी समय ताऊ जी भारत सिंह भी आए थे, मम्मी और पापा से बात कर रहे थे, हमें बाहर भेज दिया था। जब वापस आए थोड़ी देर बाद तो मम्मी घर पे नहीं थी। हमने पूछा मम्मी कहाँ हैं, तो बताया कि कहीं गई हुई है और घर में कमरे में ताला, पीछे के कमरे में ताला लगा हुआ था, आवाज़ें आ रही थी। जहाँ पर खिड़की में से झाँक कर नानू द्वारा देखा गया तो मम्मी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और नाक से खून निकलना बताया, क्योंकि ज़्यादा चिल्ला चोट की गई थी घर में। लेकिन पिता और ताऊ भारत सिंह द्वारा डांट डपट कर चुप करा दिया गया था। तब उसी समय शानू जो मृतिका से बात करता था उसका फ़ोन आया, उसके द्वारा बच्ची को बताया गया था कि आपके माँ को पिता और ताऊ ने मारपीट किए हैं, उनको बचा लो, पुलिस में चले जाओ, रिपोर्ट करो। बच्ची उसके बाद भागते हुए इधर थाने भी आई थी, जो कि उसके साथ में भेजा गया था। तभी ये तब तक ये ले जाके उसको अस्पताल में भर्ती करा चुके थे आज। और उसके भाई, मृतिका के भाई कृष्ण भान और रवि भान भिंड से आए हैं, उनको भी बच्ची ने यही बताया है। मर जांच में पीएम, मृतिका का पीएम कराया गया, शॉर्ट पीएम में उसका दम घुटने से, गला घुटने से मृत्यु होना लेट किया गया है। सिर में भी एक चोट है पाई गई है, जो कि किसी दूसरे हथियार से पाई गई है, जो मोगरी जैसा है, जिसको भी जब्त किया गया है मौके से हमारे द्वारा। और एक सबूत और इसमें प्राप्त हुआ है कि जो सानू बात करता था कल उसी घटना के समय, उसके द्वारा महिला को फ़ोन किया गया था, जो महिला के साथ घटना हो रही थी उसके बाद उसके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई है, जो आधी रिकॉर्डिंग उसके द्वारा चालू करने पर है, उसमें भी वो घटना के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। जो शानू द्वारा फ़ोन चालू था तो शानू के फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती रही, तो उसके आधार पे भी उसको यह पाया गया है, हत्या की गई है उसकी। और आरोपी भारत सिंह और जितेंद्र को बनाया गया है इसमें, अपराध धारा 302, 201, 34 का कायम कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। शानू और महिला के बीच में क्या संबंध? वो फेसबुक के जरिए दोस्ती होना बताता है और बात होते रहना है उनके, वो उसका कई बार इनके साथ, इसके पिता के साथ भी यहाँ घर पर रहना, आकर रुकना, मतलब आना जाना रहा है पहले से। और इसी बात को लेकर इनका पहले भी विवाद हुआ है, जितेंद्र का और उसकी पत्नी का, अर्चना का, और इसी के लिए मना करता था, संभवतः इसी के लिए उसके द्वारा ये घटना घटित थी।
का मामला अवैध संबंध का हो सकता है? नहीं, अभी अवैध संबंध की बात तो नहीं आई है इसमें। पहले भी उसके पति द्वारा भी नहीं बताया गया इस संबंध में, ना बच्चों से भी अच्छे मेल जोल थे उसके शामिल के। तो महिला के लिए क्या खर्च वगैरह भी करता रहा सामने? नहीं, उसके द्वारा भी नहीं खर्च किया गया। तो इसका जो खर्च उठाते हैं ये तो जितेंद्र जो है अभी वर्तमान में कुछ नहीं करता है। पहले ये जरूर पत्थर की खदान वगैरह करता था, फिर इसका कोई एक्सीडेंट हो गया था तो उसका इलाज वगैरह चला है। उसके बाद से अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसका खर्च इसके माँ, मतलब अर्चना के माँ पिता जो भिंड में रहते हैं वो कर रहे हैं। यह बात आज उसके भाई चंद्रमान और रवि द्वारा बताई गई है कि हर महीने हमारे पिता 5,000 रुपये खर्च के लिए भेजते हैं।